हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों, क्या बताएं, आज हम गए थे बाबू को, अपने बच्चे को लेकर हम बेतिया गए थे। दोस्तों, हमारे बाबू को रात 2 दिन से ना रात को 1-2 बजे उसको नींद टूटता है और वो बहुत ही रोता है, बहुत ही रोता है, मानते ही नहीं रहता है। और कल बहुत ज़्यादा दूध जो पीता है ना, जैसे पीता है वैसे वो उल्टी कर देता है, इधर का दवा ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं दोस्तों, तो हमको उतना वो नहीं है, देख रहे हैं। अभी हमारे बाबू को मिले गए थे, हुआ ना मेरे बेटे को, देख रहे इसमें सुई पड़ा है दोस्तों, कैसे सोया है। अभी थोड़ा सा इसको फीवर आराम हुआ ना तो चैन से सोया, देख रहे कितने अच्छे से दोस्तों। हम बता रहे क्या करें दोस्तों, इसीलिए हम आप सबके लिए अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहे, तो माफ़ करना भी दोस्तों थोड़ी देर के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपके दोस्त खुशी अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, बाबू को बहुत सारे, जैसे कि गाँव में होते हैं ना, गाँव में बता रहे आपको, गाँव में ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर नहीं होते, उनसे बहुत ही मैंने सोचे इधर उधर की दवाई करके ले आके, जैसे कि पहले उल्टी हुआ, फीवर हुआ, तो ये सब दोस्तों बुखार में ये देते थे। दोस्तों बुखार में ये दोनों दिए थे, फिर भी ये दोनों से कुछ नहीं हुआ। पहले तो बुखार आता था तो आराम हो जाता था इन दोनों से, पर नहीं हुआ। फिर दोस्तों ये इसको ये कल आया दोस्तों, जब उल्टी कर रहे थे, गैस बन गया था या क्या, फिर ये दोनों आया, देख सकते हैं खुल गया दोस्तों। तो दोस्तों ये कल जैसे कि उल्टी कर रहे थे, पता नहीं उसको पेट में गैस बन गया था या क्या, तो ये आया था एक, देख सकते हैं ये कोलीमैक्स, और ये भी आया था बेबी जेम। दोस्तों ये बेबी जेम ये दोनों दिया था दोस्तों, और ये भी बुखार का दोस्तों। इससे एक और भी उल्टी का, पर वो सब मतलब उधर रखा है, उनसे नहीं ठीक हुआ दोस्तों। ये इसका है, हाँ इसमें का है दवा, और ये है दोस्तों ये उल्टी का है। ओन डेम दोस्तों इस दवा का नाम है, इन सबसे कुछ नहीं हुआ दोस्तों बाबू को, फिर मतलब हम लेके गए बाबू को बेच दिया दोस्तों। यहाँ बेचिया लेके गए आप लोगों को, तो शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया ही था दोस्तों, ये पूरी जगह आप सब देख सकते हैं दोस्तों। सुइया भी पड़ा बाबू को वैक्सीन, इसे ये वैक्सीन लगेगा फिर से दोबारा। इसमें से दवा गिरा हुआ जैसे लग रहा है, इधर से लग रहा है ना गिरा हुआ इधर। दोस्तों फिर ये दोनों दवा मिला, हम देख सकते हैं ये, तो इसमें से अभी दिया भी नहीं, बस इसमें से दिया है जैसे 30 ml इसमें से दिया, और थोड़ा सा मतलब 30 ml किससे दिया, इससे यहाँ तक। और इसी से ना दोस्तों इतना फीवर आया था बाबू को, इतना पूछे मत, एक वैक्सीन लगा और इससे इतना दिया, बस इसका दिया। और बाबू का बुखार अभी थोड़ा आराम है, मतलब इसीलिए वो अच्छे से सोया है, और इसमें से नहीं दिया ये बताया है 3 बार देने का है, लेकिन इसको हम नहीं दिए, तो बाबू उठेगा ना तो इसमें से भी देंगे, और 3 बार इसमें भी 3 बार दिए देने का दोस्तों, इसमें भी। और दोस्तों ये सुई जो है ना वैक्सीन, तो इसमें उस वैक्सीन लगेगा ना दोस्तों, तो ये ऐसा मतलब
एक परत इतना बड़ा है जो सुइया लगेगा वैक्सीन का। दोस्तों एक सुई का दाम है जैसे कि मतलब 272 रुपया। तो दोस्तों हम लोग के पास मतलब 500 फीस लगता है। और कितना का दवा लिखा था उसने पहले, इधर देख लीजिए दोस्तों, दिख रहा है यहाँ पर 816 को लिखा था। तो हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे तो यहाँ पर कट कर दिया, बस एक वैक्सीन दिया जो 272 का, और इसका दाम कितना है 55 रुपया इसका। दोस्तों दवा उसके यहाँ बहुत सस्ता मिलती है और अच्छा में बस हॉस्पिटल बड़ा है, लेकिन सिर्फ पुर्जा कटाई मतलब लगता है। और दोस्तों वैक्सीन का मतलब ज़्यादा लगता है क्योंकि बच्चे और बच्चे को ज़्यादा वैक्सीन नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा सीरियस रहता है उसको वैक्सीन देना पड़ता है। तो हमारे को दोस्तों 3 वैक्सीन लिखा है जिसमें से एक पर गया भी 2 बाकी है। तो दोस्तों 2 वैक्सीन का मतलब जैसे कि 500 रुपया समझ लीजिए, 272 270 600 रुपया में 2 वैक्सीन और होगा। तो हमारे पति हम लोग के पास पैसे नहीं थे तो एक ही वैक्सीन लिए और ये दोनों दवा। पर दोस्तों एक ही वैक्सीन पर आया लेकिन उस पर भी थोड़ी आराम है, तो 2 है तो वो पुर्जा लेके वो चले गए ले जाने के लिए। देख लीजिए पुर्जा इसमें नहीं है, मेरे हस्बैंड लेकर आने गए दोस्तों। देखिए पैसा नहीं था तो किसी से लेकर गए हैं दोस्तों। आप सब तो देखा ही, जो पैसा था तो आप सबको प्यार सपोर्ट से बाइक लिए और टैंक लिए दोस्तों। बहुत दिक्कत है और हमें क्या पता, मतलब एक मतलब 1000 रुपया मतलब लेकर हम हो गए थे तो 500 का टिकट और 500 का दवा 800 का कुछ हुआ था जिसमें से 2 वैक्सीन हटा दिए। तो मतलब फिर से भी 2 वैक्सीन लेने जाएंगे तो देखिए दोस्तों क्या करें। अपने रहते तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन बच्चे को रहते तो बहुत बहुत यहाँ पर तकलीफ़ होती है। और एक बच्चे की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है दोस्तों। हम रात को ना 1 बजे से वो रोने लगता है, मैं उसको गोदी में लेते लेते वो सोते ही नहीं रहता। फिर कभी बाहर जाती हूँ, कभी दादी मिला, कभी इधर कभी उधर, क्या कर बहुत अभी प्रॉब्लम में हूँ दोस्तों। बस आप सबके प्यार से सब अच्छा है, भोलेनाथ माता रानी कर रहे हैं अच्छा चले। बस आप सब अभी थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि हम हमारे पास पैसा अभी कुछ बहुत ज़रूरत है कि मेरे बाबू बच्चे का भी तबीयत ख़राब रह रहा है दोस्तों। मेरे बाबू को ना कच्चा दे ठंडी में इसको दोस्तों बहुत तबीयत ख़राब होता है और हमको पानी का कम करना होता है, घर बर्तन चूली उली लीपना पोतना, आप जानते हैं देहात में कितना सारा काम होता है दोस्तों। हमको भी सर्दी हुआ है और हमारे बाबू है तो हमारा दूध पीता है, हमारा भी पीता है और डिब्बा का भी पीता है, तो इससे भी हो जाता है, क्या करें। हमारा नहीं प्यार हम अपना नहीं देंगे तो मानते ही नहीं रहता है, बेबी छोटा है तो पीता ही, तो इसको भी हो गया तो कोई बात नहीं दोस्तों। हमें आप सब पे बहुत भरोसा है। अगर दोस्तों अगर आप सबके प्यार सपोर्ट से अच्छा हो जाए और आप सब सपोर्ट कीजिए कि अपने बच्चे के हम फिर से जो भी दवा हो जो भी होगा हम ले आएंगे, अच्छे से इलाज कर पाएंगे। बस इतना ही आप सबसे उम्मीद है। और हमें पता है आप सब हमारे बेटिया रानी बाबू से बहुत प्यार करते हैं और हमसे भी बात करते हैं। हाँ दोस्तों बस यही दादी माती दोस्तों बुला रही थी, तो दोस्तों यही तब सपोर्ट कीजिए ताकि हम जो भी दवा रहे जब कुछ भी हम ले पाए, अच्छे से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। यही आप सबसे उम्मीद है दोस्तों, हमें किसी से उम्मीद है दोस्तों तो कोई नहीं, बस आप सब है तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। हम सोते हैं क्या है, क्या अच्छा नहीं लगता है ना कुछ भी ऐसा वीडियो बनाते हुए। हम चाहते हैं आप सबको इंटरटेनमेंट देते, आप सब बोलते हैं एनी टाइम खुश रहो करो खुश रहो, लेकिन क्या कर दोस्तों बाबू को देख रहे तबीयत ख़राब हो गया, अभी सर्दी है ना तो दोस्तों बाबू को ना थोड़ा सा वो होते हैं मतलब ज़्यादा उसको देखा चाहे ना, तो इसको बच्चा है ना इसको तो थोड़ा वो हो जाते हैं। तो दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों जा रहे अब काम करने खाना बनाने, मैं तो शाम फिर बाबू उठ जाएगा ना तभी इसको फीवर लगता है ना, तो कि दादी माँ किसी को अब नहीं मानता है रहता है, किसी मेरे को गोदी थामने को बोलता है, तो इसलिए हम जा रहे तब तक ऐसे हो जब तक हम खाना बना लेंगे। अभी शाम हो ही चुका है
तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों आप सब सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने बाबा को जो भी पैसे की कमी है, फिर आप सब सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा तो आएगा, तो फिर अच्छे से इलाज करेंगे जितना है उतना, बस बाकी और किसी से लेके गया है दवा ले आने के लिए। तो आप सब सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से कर पाए, बस यही आप सब उम्मीद है। तब तक लोग के बाबा फिर मिलेंगे दोस्तों, हम चाहते हैं मेरे बाबू अच्छे हो जाए, तो फिर भी लेंगे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक लिए ओके बाबा, लव यू, धन्यवाद दोस्तों। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। देख रहे हैं बाबू कैसे सोया दोस्तों, जब इसको ये पट्टी इसको सुइया लगने वाला ना, ये बांध रहे थे तो हमको इतना दे रहे थे इसको, और ये रो रहा था, लग रहा मेरे को रोना आ रहा था। तो ठीक है दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, धन्यवाद दोस्तों।